Hello guys, welcome back in Movies Mania World. तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे 10 बेहतरीन एनिमेटेड मूवीज जो अलग अलग कंसेप्ट पर बनी है और ये सारे मूवीज बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है और इस वीडियो के अंदर हम एनिमे मूवीज की भी बात करेंगे। अगर आप किसी भी मूवीज को मिस नहीं करना चाहता है तो वीडियो पर जरूर अंत तक बने रहना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये सारे मूवीज आपको हिंदी डब पे आसानी से देखने को मिल जाएगा और इन मूवीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 वाली मूवी है 2020 की एयरविक एंड द विच। तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है एक छोटा सा ऑर्फनेज लड़की जो एक विच ने गोद ले लेता है। उसके बाद वो लड़की उस विच के लिए काम करने लगता है और ये मूवी आपको हिंदी पे देखने को मिल जाएगा और इस मूवी को 4.8 की IMDB रेटिंग दी है और आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 9 वाली मूवी है 2020 की ओवर द मून। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है एक छोटा सा लड़की एक रॉकेट बनाता है और चांद पर निकल पड़ता है जहां वो मिलेंगे एक बहुत खूबसूरत पारी से और ये एक रोमांचक एडवेंचर वाली कहानी होने वाला है और ये मूवी आपको हिंदी पे देखने को मिल जाएगा और मूवी को 6.4 की IMDB रेटिंग दी है और आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 8 वाली मूवी है 2016 की द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है जानवरों की जो हम सब अपने घर पे पालते हैं। जब घर पे मालिक नहीं होता है तो पालतू जानवर क्या करते हैं ये इस मूवी के अंदर दिखाया है और ये मूवी आपको हिंदी पे देखने को मिल जाएगा और इस मूवी को 6.5 की IMDB रेटिंग दी है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 7 वाली मूवी है 2019 की ड्रैगन क्वेस्ट योर स्टोरी। तो ये जापानीज एनिमेटेड वीडियो गेम बेस्ड एनिमेशन मूवी है। मूवी के अंदर कहानी दिखाया है एक जवान लड़का अपनी परिवार को एक खतरनाक जादूगर से बचाना है और इस मूवी का हिंदी डब वर्जन अवेलेबल नहीं है। इस मूवी को आप इंग्लिश पे देख सकते हैं और मूवी को 6.6 की IMDB रेटिंग दी है और आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 6 वाली मूवी है 2021 की बैक टू द आउटबैक। इस मूवी में कहानी दिखाया है कुछ छोटे जानवरों की जो इंसानों ने अपनी ही शौक के लिए कैद करके रखा है और ये जानवर एक दिन पिंजरे से भाग जाता है जहां उन्हें एक पहाड़ तक पहुंचना है और ये मूवी हिंदी में देखने को मिल जाएगा और इस मूवी को 6.6 की IMDB रेटिंग दी है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 5 वाली मूवी है 2021 की मोटर कॉम्बैट लेजेंड्स बैटल ऑफ द रियम। तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है मोटर कॉम्बैट की दुनिया में दुनिया को बचाने के लिए कुछ हीरोज को एक जानलेवा टूर्नामेंट में हिस्सा लेना पड़ता है जहां उस टूर्नामेंट को जीतकर दुनिया को बचाना है। ये मूवी पूरी तरह से आर रेटेड है और ये मूवी इंग्लिश पे देखने को मिल जाएगा और इस मूवी को 6.6 की IMDB रेटिंग दी है और आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 4 वाली मूवी है 2021 की वीवो। तो ये एक बंदर की कहानी है जिसमें उसकी मालिक एक दिन गुजर जाता है और इसके बाद उस बंदर को अपनी मालिक का एक आखिरी काम करना होता है जहां उसे अपनी मालिक का लिखा हुआ एक आखिरी गाना उनकी पुरानी दोस्त मार्था तक ले जाना है और ये मूवी हिंदी में देखने को मिल जाएगा और इस मूवी को 6.7 की IMDB रेटिंग दी है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 3 वाली मूवी है 2008 की बॉल। तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है बॉल नाम का एक कुत्ता जो अपने आप को हीरो मानता है और अपनी दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और मूवी तब शुरू होता है जब बॉल अपनी दोस्त से बिछड़ जाता है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा और इस मूवी को 6.8 की IMDB रेटिंग दी है और आप इसे डिस्नी प्लस पर देख सकते हैं। नंबर 2 वाली मूवी है 2008 की पोनियो।
तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है पोनियो नाम का एक मछली जो समुंदर में रहता है और एक स्टार फिश होता है और पहाड़ों से एक लड़का से दोस्ती हो जाता है और आगे जो होता है वो तो देखने का लायक है। और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा और इस मूवी को 7.7 की IMDB रेटिंग दी है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर वन वाली मूवी है 2016 की योर नेम 8.4 की IMDB रेटिंग वाली ये एनिमे मूवी आपकी एनिमे मूवीज देखने का नजरिया ही बदल देगा। इस मूवी के अंदर एक लड़का और एक लड़की की कहानी दिखाया है जिसका शरीर आपस में बदलते रहता है और एक दूसरे से मिलना भी समुन्द्र में सुई ढूंढने का बराबर है। इस मूवी का कहानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ये सब आप मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा और इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो आप वक्त है वीडियो को यहीं एंड करने की। ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सच में एक मूवी फैन है तो ज़रूर करना और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, जो भी हो कर देना। और हम फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड और नई वीडियो में।